लेमन यानी साइट्रस प्लांट में डाईबैक होना घर घर की कहानी है, यानी बहुत ही कॉमन है। और आपके साइट्रस प्लांट में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कभी ना कभी इस प्रॉब्लम का सामना आपको ज़रूर करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। लेकिन डाईबैक एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, और सही टाइम पे अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये आपके पौधे का जान भी ले सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और इस तरीके से अगर आपके पौधे में डाईबैक होगा तो उसे क्योर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे डाईबैक को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डाईबैक, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि पूरा पौधा या फिर पौधे का ब्रांच ऊपर से सूखना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा ब्रांच नीचे तक एकदम सूख जाता है और इस तरीके से पौधे का मौत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक डिजीज़ है अपने पौधे के लिए। इसीलिए सही टाइम पे इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हम एक शार्प कटर लेंगे और उस कटर को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। कटर को साफ करने के लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर एंटीसेप्टिक लिक्विड या फिर सैनिटाइजर या फिर अल्कोहल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जिस बैच में डाईबैक हुआ है उसके ठीक नीचे जहाँ पर डाईबैक अभी तक नहीं पहुँचा यानी हरा पार्ट में आप कुछ इस तरीके से कट कर दीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने जिस पार्ट में कट किया है इस पार्ट में ब्रांच अभी भी हरा था, इसका मतलब डाईबैक यहाँ पर नहीं पहुँचा। जहाँ पर डाईबैक अभी तक नहीं पहुँचा आप हमेशा उस पार्ट में कट कीजिए। उसके बाद फंगीसाइड का एक लेयर उस कटे हुए पार्ट में लगा दीजिए। फंगीसाइड का लेयर मेरा थोड़ा सा पतला हो गया है, लेकिन आप एक पेस्ट जैसा तैयार कीजिए और उसको कटे हुए पार्ट में कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। यही आज का वीडियो लेमन के पौधे में डाईबैक होने पर आपको क्या करना है इसके बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।